एमपी के आदिवासियों के मन में मोदी, क्योंकि 5 लाख आदिवासी महिलाओं का सपना हुआ साकार। रुपए 500 करोड़ की आर्थिक मदद से फैलाया अपना कारोबार। 20 वर्षों में विकास अपार, फिर इस बार भाजपा सरकार। संकल्प लेने के लिए 7000230030 पर मिस्ड कॉल करें। मध्य प्रदेश में इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार मतदाताओं को रिझाने के लिए दौरे कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने सीधी में चुनावी सभा को संबोधित किया और कहा उनके मन में भी एमपी है। इसी के साथ मोदी ने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। प्रधानमंत्री मोदी ने सीधी में चुनावी सभा को संबोधित किया और सभा में मौजूद लोगों से बघेली भाषा में प्रणाम किया। इसके बाद मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कई सारे आरोप लगाए। मोदी ने कहा कि केंद्र में भाजपा के सत्ता में आने के बाद उनकी सरकार ने सभी घोटालों को रोक दिया और सरकार के खजाने को बचाया, जिससे 80 करोड़ से अधिक लोगों को कई सारी सुविधा मिली। मोदी ने कहा कि कोयला घोटाला करके कांग्रेस ने आपके लाखों रुपए लूटे हैं। कोयला घोटाला करके कांग्रेस ने आपके लाखों करोड़ रुपए लूट लिए, याद है ना? बोल दे, आप बताओगे तो पता चलेगा मुझे, याद है? लूटते थे नहीं लूटते थे? करोड़ों रुपए लूटते थे नहीं लूटते थे? ये आपका हक का पैसा था नहीं था? आपकी मेहनत का पैसा था नहीं था? आपके बच्चों के भविष्य के लिए वो पैसा भाग नहीं था? लूट लिया। भाजपा सरकार में वो लाखों करोड़ रुपए के घोटाले बंद हो चुके हैं। साथियों, गरीब का पैसा गरीब के पास जाए, गरीब के लिए खर्च हो और कोई बिचौलिया बीच में वो पैसे लूटे नहीं, यही मोदी की विशेषता है। एमपी के गरीब के मन में मोदी, क्योंकि पूरी हुई पक्की छत की आस। 44 लाख गरीबों को मिला आवास। 20 वर्षों में विकास अपार, फिर इस बार भाजपा सरकार। संकल्प लेने के लिए 7000230030 पर मिस्ड कॉल करें। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।